तो गाइस मैं आया हूँ बुलेट ट्रेन, यहाँ का रेलवे स्टेशन है। और सच बताऊँ यहाँ का मतलब रेलवे स्टेशन चाइना का एयरपोर्ट से कम नहीं है। तो आइए देखते हैं बुलेट ट्रेन, जिसकी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी सालों से बात चल रही है, अभी तक दिखी तो है नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं यहाँ कैसी है, चलते हैं अंदर। ये देखो गाइस, ये है यहाँ का, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का। तो इसकी एंट्री यहाँ से है, यहाँ से लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं, नीचे से सुना है टिकट मिलेगी। वैसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। चलते हैं नीचे। तो भाई ये है, चाइनीज़ लोग अपनी मातृभाषा को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ अपनी मातृभाषा में है इनकी, हमारी तो नहीं। अब ये नहीं पता टिकट के लिए, ये शायद काउंटर है, यहाँ देखते हैं अभी यहाँ मिलेगी टिकट, देखें यहाँ चेक करें एक बार। वहाँ तो समझ आया नहीं, यहाँ देख रहे हैं अभी, ये देखो एयर रेलवे स्टेशन है ये, बुलेट ट्रेन चलती है यहाँ। चलो ढूंढ लेता हूँ एक बार टिकट कहाँ मिलेगी और देखते हैं। ये देखो तो यहाँ मिला है टिकट का काउंटर, बाहर जाके टिकट लेना पड़ेगा। वो बड़ी दूर से चल के आए हैं यहाँ, वहाँ से जाके आगे से लेफ्ट काफ़ी देर चलना पड़ा, क्योंकि हमने एंट्री दूसरी साइड से करा था। तो यहाँ देखते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा टिकट, सही है टिकट्स को लगे हुए हैं। चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं कैसे मिलेगा। वैसे ऑनलाइन भी बुक हो सकता है, बट कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर रेन मतलब ये रेनी सीज़न है इनका, तो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जाम वाम लग जाए, इसलिए ऑनलाइन बुक नहीं करा। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। तो भाई साहब ये है टिकट काउंटर, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लाइन में लगना पड़ेगा। वैसे ऑटोमेटिक उधर से भी निकल जाती है टिकट, बट वो ये ना चाइनीज़ लैंग्वेज का थोड़ा ढूंगा है, वो चाइनीज़ लैंग्वेज में सारा। बड़ी अपनी मातृभाषा को इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट करते हैं ना ये, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंग्लिश का, फ्रेंच का, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी भाषा में। चलो देखते हैं इधर। तो गाइस लग गए लाइन में, ऑनलाइन बुक कर ले तो ज़्यादा सही रहता, काफ़ी लंबी लाइन है, देखते कितनी देर में नंबर आएगा। काफ़ी लोग आए हुए हैं यार, बहुत लोग हैं, बाकी देखते हैं। तो गाइस यहाँ के लोग हैं ना, जहाँ भी थक जाते हैं ना तो ऐसे बैठ जाते हैं कहीं भी, और ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं अभी, देखते हैं। सिर्फ एक ही काउंटर है जहाँ पे इंग्लिश वो सर्विस अवेलेबल है, इसके अलावा अदर काउंटर्स पे शायद नहीं है अभी तक तो सर्विस, इसका इंग्लिश सर्विस का कभी कुछ देखा नहीं, मेंशन कहीं करा हो। देखते हैं, 20 मिनट तो हो गए हैं खड़े खड़े, भीड़ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, आराम से चल रहा है, सिस्टमेटिक चल रहा है सब, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव कुछ हो नहीं रहा, हाँ ठीक है दोनों चल रहा सब। तो भाइयों हमारे की तरह यहाँ भी रोड़ा हुआ है टिकट के लिए, ये देखो ऐसा नहीं है यहाँ टिकट के लिए वो नहीं होता रोड़ा, जैसे हमारे वहाँ होता है ना, लाइन में घुस गया कोई, कुछ हो गया कोई, यहाँ भी है। तो भाइयों काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद टिकट मिली है, और अभी चेक इन करना है यहाँ अंदर जाके, थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं, और अंदर जाके देखते हैं अभी कैसे चेक इन। हाँ भाई चलिए, वहाँ जाके चेक इन हो रहा है, काफ़ी स्वीट लोग हैं यार यहाँ के। तो
यहाँ से चेक करवा के आप एंट्री कर सकते हैं अपना पासपोर्ट और टिकट। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है। यहाँ से आपके बैगेज चेक होंगे, फिर अंदर प्लेटफॉर्म का रास्ता मिलेगा, वहाँ से चलते हैं। चेकिंग हो रही है भाई, और ये देखो गाइस लड़कियाँ चेक कर रही है। अरे वाह, एक अच्छा सिस्टम बना रखा है, समानता है कितनी ज़्यादा लड़के लड़कियों में। तो यहाँ पे मेंशन है जी 10:17 ये ट्रेन आएगी और यहाँ से एंट्री होगी। अभी नीचे है बुलेट ट्रेन, और देख सकते हो वेटिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देखो सारे प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पे मेंशन है, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं हम। दो बजे एंट्री है, तो भी गाइस थोड़ा वेट करना है, इधर तो जाके अभी ले लेते हैं कुछ, देख रहा हूँ रेड बुल वगैरह मिल जाए तो कहीं यहाँ पे। तो काफ़ी शॉप्स हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह है यार, हमारे तो एयरपोर्ट होते हैं सर, सेम टू सेम वैसा ही है। आई होप आई विश आई प्रे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन जल्दी स्टार्ट हो जाए, ऐसा ही सिस्टम हो, बहुत अच्छा लगेगा यार, बड़े साल से वेट कर रहा हूँ। तो गाइस लाइन में लग गए हैं और यहाँ से एंट्री हो रही है अभी बुलेट ट्रेन की, चल रहे हैं धीरे धीरे आगे, देखते हैं अभी। सब लोग बड़े पीसफुली एंट्री अपने करवा रहे हैं धीरे धीरे, वो देखो पूरा एयरपोर्ट वाली वो है चेकिंग, वेट कर रहे हैं, वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो गाइस ये है बुलेट ट्रेन, आप देख सकते हो ये स्टेशन है, अभी जा रहे हैं नीचे, यहाँ से एंट्री हुई है अभी, धीरे धीरे जा रहे हैं अभी नीचे, नीचे जाके देखते हैं अंदर अंदर से कैसी हो गई है बुलेट ट्रेन, आइए चलते हैं नीचे। तो गाइस बैठ गए हैं बुलेट ट्रेन में, बड़ी शानदार ट्रेन है, और देखते चल कैसी है। सब लोग बैठियाँ लगेज जो सब लोग ऊपर रख दिया, बड़ा लगेज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अभी ये लगेज देखते हैं कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा बड़ा लगेज है ना, वहाँ आ जाएगा भाई सर। देखो तो भाई शानदार लग ट्रेन है, बैठ तो गए हैं, देखो चलती कैसी है, इंडिगो के प्लेन जैसे, इंडिगो के प्लेन होते हैं ना वैसे ही, याद आ रहा है ना तेरे को। अच्छा चलते हैं अभी आगे, देखेंगे कैसी चलती है। गाइस बिल्कुल करेक्ट टाइम पे चल पड़ी है, अभी देखते हैं स्पीड गाइस। मेरा सजेशन है आप ऑनलाइन करके आइए, वो ज़्यादा बेटर है, ये देखो स्पीड तो अभी पकड़ी नहीं है इसे, शायद आगे जाके और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी इसकी, देखते हैं। हम जा रहे हैं उनको, उनको कैसा है कुछ दिन उनको जा रहे हैं, फिर वापस अपना देश भारत, भारत चलेंगे, फिर भारत में भी देखते हैं। तीन घंटे पहले
थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई भाई। बताओ जी जल्दी आया मैं तगड़ा हुआ है। कौन है चाइनीज इतनी तेज बोला रहा है? पहला चाइनीज देखा इतने दिन में इतनी तेज तेज बोला रहा है। ये है दिया ये कोई हाथ हो ये ला ला ये सूट को खोलो पाओ ये को डाल दे वो वाइट वो वाइट है। ये सीट लगी हुई है शेंजेन में, देख सकते हो आप बड़े लोग हैं। एंट्री होनी है यहाँ से तो बहुत भीड़ है। टिकट का प्लेटफॉर्म एंड नंबर पे चेंज हो गया है, आगे जाके पर कंफर्म कर ले। 6547 तो ये सीट लगी हुई है, यहाँ आप अपना रेस्ट ले सकते हो, बढ़िया मसाज ले सकते हो अपना। ये इंजन का बुलेट ट्रेन का वही स्टेशन। तो भाइयों एंड टाइम पे प्लेटफॉर्म चेंज हो गया और भाई हम सेंजन से जा रहे हैं हांगकॉन्ग।
तो ये भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए यहाँ पे जरूर, कहीं आप आओ और फंस जाओ और ऐसे चीज ना हो तो आपको पता ना लगे। तो ट्रेन छूट जानी है या नहीं, वेट करना किसी की। ये है बुलेट ट्रेन यहाँ का, ये घड़ी पीछे बुलेट से ही। Putian railway station. Smoking is strictly forbidden on this train. 各位旅客，前方到站系福建站，本次列车全面禁止吸烟，感谢你嘅配合。 तो गाइज हांगकांग पहुंच गए हैं और अच्छा लगा यार, चाइना अच्छा था, ऐसा कुछ इतना मतलब वो था नहीं, सब कुछ ठीक था यार। और एक और बात पता है, बुलेट ट्रेन में एक लेडीज़ आई तो वो प्रेग्नेंट थी और वो इटली की थी लेडीज़, तो चाइना वालों ने उसे टिकट ही नहीं लिया उसको, तो उस लेडीज़ को बोलते हैं यू नीड नॉट टिकट। तो देखा गाइज, तो मेरे भाइयों जो लेडीज़ जो देश लेडीज़ की इतनी इज्जत करेगा तो उसलिए बोले ना तो प्रसन्न होंगे ना यार, और इतना मतलब कि ग्रोथ तो मिलेगी ना उसको। तो भाई अपनी भाण बेटी की और दूसरे की भाण बेटी की इज्जत करा करो भाई, और मतलब कितना बढ़िया, मतलब प्रेग्नेंट हो लेडीज़ तो उसे मतलब या किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना तो उसे उसको टिकट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट जा सकते हैं। अच्छा था यार, बढ़िया। तो भाई एक और बात बताता हूँ गाइस, ये जो है ना ये रेलवे स्टेशन है, और अभी कुछ देर पहले तो मैं भूल गया था रेलवे स्टेशन है, मेरे को लगा एयरपोर्ट है ये। तो ये देखो गाइस इतना गजब रेलवे स्टेशन इनका।
ये रेलवे स्टेशन है इनका। ये देखो लुक एट दैट, तो ये रेलवे स्टेशन ही आएगा, देख रहे हो होंगकोंग रेलवे स्टेशन। ये क्या है, वही जो फॉर्मेलिटीज होती हैं। पवन जी कैसा लग रहा है? आप भी भूल के देखे मेरी तरह के ये रेलवे स्टेशन है, बाद में याद आया, एयरपोर्ट की फीलिंग लेने की जरूरत कौन है, ये रेलवे स्टेशन है। तो गाइस मैं तो भूल गया था, पवन जी ने मुझे याद दिलाया कि भाई ये रेलवे स्टेशन है और इसको मैं एयरपोर्ट सोच रहा था। सो गाइज यहाँ भी पूरा वही प्रोसेस है, एयरपोर्ट वाला नंबर आया भी पूरे वीडियो का, तो एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से चेक हो रही है। और ये रेलवे स्टेशन है, कमाल है यार, अच्छा है, देख लो रेलवे स्टेशन ही आ गया। तो गाइस ऐसा तो मतलब देखा नहीं यार रेलवे स्टेशन अभी तक, और ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट पे हैं। गजब रेलवे स्टेशन है यार, एयरपोर्ट कैसा होगा इनका, चलो कल एयरपोर्ट भी देख लेते हैं कैसा है। ये रेलवे स्टेशन, ये देखो ये रेलवे स्टेशन है हांगकांग का, एक्सिस स्टेशन में जाते हैं।